दुनिया में गए 7 अजूबे हैं, आपने ये सुना होगा, नाम भी देखे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपने गाइस तस्वीरें भी देख ली होगी। तो फिलहाल गाइस मैं आ चुका हूँ राजस्थान में स्थित अजमेर शहर में एक ऐसी जगह जहाँ पर ऑलरेडी गाइस ये 7 अजूबे एक साथ में बना दिए गए हैं आम जनता के लिए। तो फिलहाल गाइस मैं भी आपको दिखाने के लिए आ चुका हूँ इन 7 अजूबों को एक साथ में। तो मैं पहुँच चुका हूँ अजमेर सिटी, जहाँ पर गाइस मुझे लेनी पड़ी रिक्शा फतेहपुर सिकरी रोड के लिए। जैसे ही मैं यहाँ पर गाइस पहुँचा तो मैंने देखा गेट के आगे लगी हुई है बहुत ही बड़ी और लंबी लाइन। फिलहाल देख कर डर तो मुझे भी लगा, पर मैं आ चुका था यहाँ पर एक वीडियो बनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए। तो लाइन में लगा और इन भैया से मैंने ली काफ़ी ज़्यादा महंगी टिकट, जिसकी प्राइस थी गाइस 10 रुपये। 10 रुपये की टिकट लेने के बाद जैसे ही मैं अंदर घुसा तो देखा हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था 7 वंडर पार्क अजमेर, जो कि बना था गाइस अगस्त 2022 में। फिर देखा गाइस छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए थे जिस पर लिखी हुई थी बहुत सारी अच्छी अच्छी सी बातें, जहाँ पर लिखा था गाइस कैमरा ले जाना मना है, टिकट को संभाल के रखना है, किसी भी प्रकृति के अंदर जाना मना है। फिर देखा गाइस मैंने एक ऐसा बोर्ड जिस पर लिखी हुई थी दिल तोड़ने वाली बात, इस सीमा के अंदर जाना मना है। जी हाँ गाइस, सीमा के अंदर जाके अगर किसी चीज़ को नहीं देखा जाए तो देखने में क्या मज़ा। फिर मैं पहुंच चुका था गाइस हमारे देश की आन बान शान ताजमहल को देखने के लिए, जो कि मुझे इन 7 अजूबों में सबसे ज़्यादा लगा बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो सबसे पहले देखिए गाइस ताजमहल, जो कि गाइस देखने में लग रहा था बिल्कुल बिल्कुल एकदम रियल। फिर देखा मैंने गाइस पास में लगा हुआ था यहाँ पर भी बोर्ड, जहाँ पर लिखा हुआ था ताजमहल का इतिहास। जी गाइस ऊंचाई जो है 35 मीटर है और प्राकृतिक जो ऊंचाई मतलब यहाँ पर जो ये बना हुआ था वो बना हुआ था 7.8 मीटर की ऊंचाई में। फिर गाइस मैं पहुँच चुका था ताजमहल के पास में ही लगा हुआ था एक और बोर्ड, जहाँ पर लिखा हुआ था रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। जी हाँ गाइस ये जो मूर्ति लगी हुई है ये ब्राज़ील में स्थित है और ये है अजूबों में एक और गिनती, जो कि गाइस मुझे देखने में लगी बहुत ही ज़्यादा फीकी, क्योंकि इस मूर्ति में गाइस ऐसा कुछ था नहीं कि ये अजूबे में लगा दी जाए और अजूबे में स्थित हो जाए। तो फिलहाल मैंने देखा कि ताजमहल ही हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। फिर गाइस मैं जैसे ही पहुँचा पास में लगे एक और अजूबों को देखने के लिए तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर लगे गेम जोन पर। या गाइस यहाँ पर गेम जोन का भी आप लुफ्त उठा सकते हो। फिलहाल मैंने भी एक छोटा सा गेम खेला, ये दांत गिराने वाला। जी हाँ गाइस मैंने ली मात्र 20 रुपये में 3 गेम, जिसमें से मैंने आदमी का 1 दांत गिराया और औरत के गिराया 2 दांत। जी हाँ दांत तोड़ने में गाइस मुझे आया बहुत ज़्यादा मज़ा। फिर मैं गया थोड़ा सा और पास में, देखा मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए कूदने के लिए ये लगा हुआ है। फिर गाइस मुझे देखी पीसा की झुकी मीनार, जो कि है गाइस 3रा अजूबा। ये भी बहुत ही गाइस देखने में लग रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर भी देखिए जानकारी आपको देखने को मिल सकती है, हिस्ट्री के बारे में आप जान सकते हैं। हिस्ट्री जानने के बाद में गाइस मैंने देखी इस मीनार को ऊपर से लेके नीचे तक और गाइस देखा दाएं से लेके बाएं तक, कहीं से भी मुझे लगी नहीं गाइस ये झुकी हुई है। फिर मैं थोड़ा सा गया इसके साइड में तो जहाँ से मुझे कहीं ना कहीं गाइस हल्की सी ये झुकी हुई नज़र आई। फिर मेरा दिमाग में थोड़ा सा ख्याल आया कि ये कहीं ना कहीं हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, इसको झुकाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ कारिस्तानी की गई है। तो देखा गाइस मैंने एक तरफ से फर्श जो है ज़्यादा झुका हुआ है और एक तरफ से जो फर्श है वो उठा हुआ है, जिस कारण गाइस ये झुकी हुई मीनार बन गई। फिर पहुंचा गाइस मैं चौथा देखने के लिए अजूबा, जो कि मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो कि मौजूद है गाइस इटली में। यहाँ पर भी गाइस देखा तो मैंने लिखा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर इतिहास के बारे में इसके लिखा हुआ है। फिर देखा मैंने इस अजूबे को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, मुझे लगा ये एक अजूबा ही होगा, पर मैंने देखा कि ये तो सिर्फ है खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ। खिड़कियों वाला मकान गाइस अजूबे में है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए गाइस ये अजूबे में स्थित है। मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नहीं। फिर मैं पहुँच चुका था एक और पास में लगे बोर्ड पर जहाँ पर लिखा हुआ था एलफिल टावर। यहाँ पर भी गाइस इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें देखने को मिली। सबसे पहले देखा मैंने गाइस प्राकृतिक जो ऊंचाई है वो 30 मीटर जो कि ये बना हुआ है और जो रियल में ऊंचाई है वो गाइस है 330 मीटर। तो कहीं ना कहीं जाके गाइस मुझे ये लगा कि ये होगा बहुत ही ज़्यादा देखने में मज़ेदार। और फिर देखिए गाइस मैंने इसको देखा और सच में गाइस ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था।
क्योंकि 30 मीटर की ऊंचाई में गाइस आपको ये इतना बढ़िया लग रहा है, तो 330 मीटर की ऊंचाई में गाइस ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा और बढ़िया होगा। फिलहाल मैंने इसको देखा थोड़ा बाहर से और थोड़ा सा देखा इसको अंदर से भी। अंदर से देखने के बाद देखा मैंने गाइस कबूतर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थे और इन कबूतरों ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छींची कर रखी थी, जिस कारण इसका जो मज़ा था वो बिगड़ चुका था। पास में पहुंचा एक और अजूबा देखने के लिए जो कि था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पर भी गाइस आप बोर्ड देख सकते हो, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये मूर्ति देख के मुझे ये लगा कि ये भी एक अजूबे में है, तो कहीं ना कहीं मैं भी शौक हो गया क्योंकि इस पर सिर्फ एक कलर किया हुआ था, मसाल लेके एक औरत खड़ी भी थी, और ये भी चलो कहीं ना कहीं हो गया एक अजूबे में शामिल। फिर मैं पहुंचा गाइस एक ऐसी जगह देखने के लिए जो कि था थोड़ा सा मेरे लिए कि हाँ ये एक अजूबे में हो सकता है मौजूद। देखने में मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा प्यारा मिस्र का ये पिरामिड। गाइस इसकी जो औसतन ऊंचाई है इससे 10 गुना नहीं 100 गुना ये बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर बोर्ड में आप देख सकते हैं, फिलहाल मैं इसको देख चुका था और फिर मैंने चारों तरफ वापस से नज़र घुमाई कि देखता हूँ कौन सा अजूबा मुझे सबसे देखने में प्यारा लग रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं मेरी पहली उंगली टिकी हमारे ताजमहल पे, दूसरी टिकी उंगली हमारे इस पिरामिड पे, और तीसरी जो उंगली टिकी हमारी इस मिस्र के पिरामिड में। तो गाइस मुझे लगे ये तीन अच्छे। तो उसके बाद में 14 नंबर मीनार झुकी हुई है जो उसको दूंगा, 5वां नंबर वो खिड़की वाला मकान, 6ठे नंबर पर जो ये मूर्ति, और 7वें नंबर पर है जो हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जी हाँ गाइस ये देखने में मुझे लगे बहुत ही। और यहाँ पर गाइस आप कैमल की राइड भी कर सकते हो, हॉर्स राइड भी आपके लिए मौजूद है। बच्चों के लिए गाइस यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार भी मौजूद है जिसमें बच्चे आपको तंग नहीं करेंगे, इसमें आप घुमा सकते हो। और बड़ों के लिए गाइस ये मौजूद है यहाँ पर घूमने वाला फ़ोन, जी हाँ बड़े भी यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं इस घूमने वाले फ़ोन पे। जी हाँ गाइस यहाँ पर खाने के लिए भी मौजूद है एक कैंटीन जहाँ पर आपको बहुत ही सस्ता खाने मिल सकता है। तो फिलहाल वीडियो को करते हैं यहाँ एंड, और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए।